सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको विशेषण। आपको ध्यान होगा कि मैंने छुट्टियों में भी आपको विशेषण के बारे में बताया था, पढ़ाया था, तो आज विशेषण ले रहे हैं। देखिए, विशेषण कहते किसे हैं, पहले आप ज़रा चार लाइनें ध्यान से सुनेंगे। नीतू नीला आकाश देखो। नीतू बोलती है, हाँ देख रही हूँ, छोटी छोटी दो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, उधर काले बादल भी हैं, बादलों में रंग बिरंगा इंद्रधनुष, हरे भरे मैदान में एक बड़ा पेड़ है, पेड़ पर रसीले आम लटक रहे हैं। अब देखिए, उपरोक्त वाक्यों में कुछ शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जैसे नीला। नीला क्या है? आकाश है। छोटी छोटी क्या हैं? दो चिड़ियाएं हैं। काले क्या हैं? काले जो है वो बादल हैं, और बादलों के बीच में क्या है, ये जो है रंग बिरंगा इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है, ठीक है ना। और फिर दे रखा है रसीले, यानी रसीले क्या हैं? आम हैं, पके आम हैं और पीले आम हैं। तो ये शब्द सब क्या है? हमें जो है संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो जिन शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। ध्यान रहें, जैसे मोटा आदमी, लंबी सड़क, ऊंची इमारत, तो ये शब्द क्या हैं? जैसे ऊंची इमारत, इमारत कैसी है? ऊंची है, ठीक है ना। लंबी क्या है? सड़क है, ठीक है। चौड़ी नदी, नदी क्या है? बहुत चौड़ी है। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द हमें जो संज्ञा और सर्वनाम हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको विशेषण कहते हैं। अच्छा, कुछ विशेषण और संज्ञा शब्द नीचे दिए गए हैं, मैंने कुछ विशेषण और संज्ञा शब्द आपको दिए हैं, इनको इस प्रकार लिखना है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता स्पष्ट हो। अब इसमें से आपको अलग अलग शब्द ढूंढने हैं, जो संज्ञा शब्द हैं उनको संज्ञा के नीचे लिखना है, और जो उसका विशेषण होगा वह आप विशेषण के नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने दिया है घुमावदार, 2 मीटर, ऊंची, रंगीन, नीला, लंबे, बड़ा, सीधा, कपड़ा, चित्र, गलियारा, बाल, आकाश, रास्ता, आदमी, मीनार। ये मैंने शब्द दिए हैं, आपको लिखने कैसे हैं? आपको संज्ञा शब्द के नीचे संज्ञा शब्द लिखना है और फिर विशेषण के नीचे उसका विशेषण लिखना है। जैसे मैंने लिखा है नीला, देखो इसमें नीला होगा, नीला क्या है? आकाश है, ठीक है ना। 2 मीटर, 2 मीटर क्या है? कपड़ा हो जाएगा। ऊंची क्या हो जाएगी? ऊंची मीनार हो जाएगी। रंगीन, अब आप जो है खुद ढूंढेंगे, रंगीन चित्र भी हो सकता है, ठीक है ना। नीला आकाश हो सकता है, लंबे बाल हो सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा आदमी हो सकता है। इस तरह आपको एक तरफ जो है संज्ञा शब्द छांट करके लिखने हैं और दूसरी तरफ उसका जो है विशेषण आपको लिखना है। बड़े सुंदर से लिखेंगे और बड़े समझ करके इस काम को करेंगे। धन्यवाद।